हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एंड फेस्टिव सीज़न आ गया है एंड आई होप इस बार फेस्टिव सीज़न जो है हमें इन्जॉय करने मिले, क्योंकि लास्ट ईयर भी लॉकडाउन में ही चला गया था पूरा फेस्टिव सीज़न। सो आई होप इस बार सभी को इन्जॉय करने मिले। सो फेस्टिव सीज़न में चल रही है मेरे चैनल पे एक फेस्टिव सीरीज़, एंड इस सीरीज़ में मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, जहाँ पर आप अपनी पुरानी कुर्ती या फिर एग्जिस्टिंग कुर्ती को कैसे दो तरीके से रीस्टाइल कर सकते हैं इस नवरात्रि के लिए। यस, नवरात्रि आने वाली है एंड आप किस तरीके से आपके एग्जिस्टिंग कुर्ती को ही, दुपट्टे को ही अलग अलग तरीके से रीस्टाइल कर सकते हैं, ताकि आपको नए कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े एंड आप उसी को बार बार यूज़ कर सके एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल क्रिएट कर सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो बनाने में। सो अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल बटन को भी हिट करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। मैं दो लुक्स क्रिएट करने वाली हूँ नवरात्रि के लिए, बहुत ही ईजी सिंपल से लुक्स है। वो होगा इस कुर्ती एंड पैंट सेट के साथ जो कि मैंने लिया था मिंत्रा। ये इस तरीके की लाइट ब्लू और टर्कोइज ब्लू कलर की कुर्ती है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। फॉइल प्रिंट है इस पर तो, एंड कैमरे में लाइट में बहुत ज़्यादा सुंदर खिल के आती है। इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं आया था, बट जो मैंने लुक क्रिएट करे हैं एंड उसमें जो दुपट्टा पेयर किया है वो कुछ इस तरीके का कलरफुल दुपट्टा है, ऑरेंज पिंक एंड इस तरीके के फेक मिरर वर्क बने हुए हैं। इस तरीके का जो दुपट्टा है वो एकदम नवरात्रि वाइब्स देता है। सो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं एंड मैं बताती हूँ मैंने किस तरीके से दो लुक्स यहाँ पर क्रिएट करे हैं। सो जो फर्स्ट लुक यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड ईजी टू कैरी है। सो इसमें मैंने लिया है ये दुपट्टा एंड इसको यहाँ पर 3 पार्ट्स में फोल्ड कर लिया है एंड सारे जो जॉइंट्स है वहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। सो इसमें और कुछ भी नहीं करना है, बस ये इस तरीके से यहाँ पर पिन लगा लेंगे। अब ये जो है आपका एक श्रक टाइप में कन्वर्ट हो गया है दुपट्टा एंड इसको आप इजीली आप किसी भी कुर्ती के साथ, किसी भी लहंगे के साथ, ब्लाउज़ के ऊपर आप इसको पहन सकते हैं एंड ये रेडी है। सो एंड इसके जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक जो दिख रहा है वो मैंने इस तरीके से टक इन कर लिया है, ताकि जो लुक है इसका एकदम नीट एंड क्लीन आए। एंड बस ये रेडी है आपका एक इजी सा सिंपल सा दुपट्टा स्टाइल, जो आप इस नवरात्रि में इस तरीके के दुपट्टे के साथ कैरी कर सकते हो। इसको आप चाहें तो पूरे दिन भी कैरी कर सकते हो या फिर आपको गरबा खेलना है तो भी बहुत इजी टू मेंटेनेंस है। एंड इसके साथ मैंने यहाँ पर पेयर किए हैं ये कुछ इस तरीके की जंग ज्वेलरी, आप चाहे तो सिल्वर ज्वेलरी पेयर कर सकते हो, जो कि नवरात्रि सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड मैंने पेयर किया यहाँ पर कुछ कलरफुल बैंगल्स एंड ये फाइनल लुक रेडी है। मुझे तो ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल है एंड फटाफट से होने वाला है। लुक नंबर टू के लिए, सर लुक नंबर टू के लिए मैंने यहाँ पर सेम दुपट्टा यूज़ किया है एंड उसको एक साइड से प्लीज बना लिया। अगेन ये लुक भी बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत ज़्यादा इजी है। एंड ये जो प्लीज वाला सेक्शन है उसको पीछे ले लिया एंड जो आगे का सेक्शन है उसको यहाँ पर हम जो कुर्ते का साइड है वहाँ पर टक कर लेंगे इस तरीके से। बस रेडी है लुक नंबर टू। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके के झुमके ऐड किए हैं एंड इसमें मैं 2 कड़े ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अगेन सिल्वर ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं, जो कि नवरात्रि लुक को और भी ज़्यादा कंप्लीट एंड वाइब्रेंट बना देगा। इस लुक को और भी अमेजिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक वेस्ट बेल्ट, गोल्डन कलर का वेस्ट बेल्ट है। अगेन ये वेस्ट बेल्ट जो है मैंने यहाँ पर जुगाड़ किया है। सो अगर आपको ऐसा कुछ जानना है या देखना है कि आप किस तरीके से बहुत ही इजी घर के सामान से या जुगाड़ू तरीके से वेस्ट बेल्ट बना सकते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा एंड
इस नवरात्रि के लिए आपको कुछ स्टाइलिंग आइडिया ज़रूर मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं लेकर आती रहूँगी और भी इसी तरीके के नए नए वीडियोज़, फेस्टिवल से रिलेटेड, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, फैशन से रिलेटेड, DIYs, मेरे चैनल को ज़रूर चेकआउट करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।